कि मैं आपके मुल्क आया हूं कर्जे लेने के लिए नहीं बल्कि सरमायाकारी के लिए। आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि इंशाल्लाह अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए, इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। वादा करता हूँ मौजूदा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से पहला खिताब, कहा हर जगह कहता हूँ कर्जा लेने नहीं सरमायाकारी लेने आया हूँ। मुल्क में चोर बाजारी और करप्शन का खात्मा करेंगे। अशराफिया को शहाना अखराजात को खत्म करना होगा। जिन इदारों का अवाम खिदमत से कोई ताल्लुक नहीं उनका खात्मा करना होगा। शहबाज शरीफ अपना एतबार खो चुके हैं। बजट में अशराफिया को बचाया और सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाला गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वजीर आजम के खिताब पर रद्द अमल, कहा सरमायाकारी कम तरीन और महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। दहशतगर्दी बढ़ गई, सनतकार परेशान और किसान सरापा एहतजाज है। मुल्क में सियासी माशी अदम इस्तेहकाम है। इस्तेहकाम के लिए जरूरी है फॉर्म 47 के बजाय फॉर्म 45 की बुनियाद पर हुकूमत साजी की जाए। कराची में मुलजिमान की रेंजर्स पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम जख्मी हालत में, साथी और कार समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल, 6 मोबाइल फोन, IC हेरोइन और 1 चोरी शुदा गाड़ी बरामद कर ली गई। मुलजिमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अटक कचहरी में पुलिस एहलकार ने साबिका रंजिश पर 2 वकला को चैम्बर में घुसकर कत्ल कर दिया। जहां बहक होने वालों में साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार भी शामिल। ASI को रंज था कि फैमिली कोर्ट में चलने वाले केस में एडवोकेट मलिक इसरार की वजह से उसे अपनी बीवी को तलाक देना पड़ी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर IG पंजाब का फौरी नोटिस, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गफलत और लापरवाही बरतने पर इंचार्ज एलीट फोर्स और मुहर्रर एलीट फोर्स भी गिरफ्तार। FIR में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की अटक में वकला के कत्ल की होलनाक वाकई की शदीद मजम्मत, कहा वजीर आला मरियम नवाज ने दोनों वकला के कत्ल से मुतल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट तलब की है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, वाकई की तहकीकात में कोई कमी नजर नहीं आएगी। कानून अपना रास्ता लेगा, वकला दहशतगर्द नहीं आइन और कानून के मुहाफिज हैं। हुकूमत वकला की फलाह के लिए काम कर रही है। मुल्क में जमहूरी अमल डिरेल नहीं होने देंगे, आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वकला की फलाह व बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब रुपए तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। आइंदा माह से आटा दाल चावल चीनी और मिसालों पर 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग, कहा कि दूध कंपनियों ने 2 बरस के दौरान अपनी मसनूआत की कीमतें मुतअद्दिद बार बढ़ाई। दूध की कंपनियों ने सारिफिन पर मजीद बोझ बढ़ाया मगर हुकूमत को कुछ देने को तैयार नहीं। दरामदी दूध मकामी दूध से दुगना कीमत पर फरोख्त हो रहा है। अगर हम 18% सेल्स टैक्स छोड़ दें तो कंपनी भी अपनी कीमत 18% कम करे। मल्टीनेशनल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी टैक्स नेट में नहीं, आइंदा माली साल से 0 रेटिंग मुकम्मल खत्म कर दी। नॉन फादर्स के खिलाफ घेरा तंग, अब बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने नॉन फादर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज मंजूर कर ली। चेयरमैन FBR के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत कार्रवाई होगी। हज उमरा छोटे बच्चों तलबा और नाइकोप रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस्तेसना होगा। नॉन फादर्स की मोबाइल सिम्स बिजली और गैस कनेक्शन भी मुनकता किए जाएंगे। सिर्फ गाड़ी प्लॉट या घर खरीदने के लिए वक्ती फाइलर बनने वालों को भी इजाफी टैक्स देना होगा। कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट का रिकॉर्ड टैक्स वसूली के लिए नादरा को देने की तजवीज मुस्तरद कर दी। सेनेटर अनुषा रहमान ने कहा नादरा का डाटा महफूज नहीं है। चेयरमैन FBR ने बताया SIFC ने नादरा को डाटा देने का कहा है। ग्रेड 17 और 22 का डाटा भी दिया जाएगा। ताहम कमेटी ने सियासतदानों को का डाटा नादरा को देने की तजवीज मुस्तरद कर दी। वक्त कम मुकाबला सख्त, ईद कुर्बा में सिर्फ 1 रोज बाकी। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जोरों पर। खूबसूरत और पले हुए बकरे दुम्बे बैल और ऊंट खरीदारों की तवज्जो के मरकज।
जानवर जमीन पर, कीमत आसमान पर, व्यापारियों के मनमाने रेट्स पर खरीदारों को मनाने के जतन। भावताल का फाइनल राउंड शुरू हो चुका। कराची के शहरियों ने जानवरों की खरीदारी तकरीबन मुकम्मल कर ली। मरकजी मवेशी मंडी जानवरों से खाली हो गई। छुरियां चाकू तेज करने वालों की भी शान थी। ईद के रंग अपनों के संग, परदेसी घरों को लौटने लगे। बस अड्डों पर रश, ट्रेनें कम और मुसाफिरों की भरमार। क्या टिकट वाले, क्या बिना टिकट, सब मुसाफिर परेशान। ईद के मौके पर मुसाफिरों के लिए स्पेशल ट्रेन ना चलाई जा सकी। दूर दराज शहरों को जाने वाले मुसाफिर खड़े होकर सफर करने पर मजबूर। खवातीन और बच्चे ओवरलोडिंग और गर्मी की वजह से सख्त परेशान। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। परदेसी घर जाने के लिए दुगने किराए देने पर मजबूर। इंतजामिया ने भी चुप साध ली। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का किरायों में कमी न होने पर इजहार बरहमी। हर सूरत पेट्रोल में कमी का बड़ा रिलीफ। किरायों में कमी की सूरत आवाम को पहुंचाने का हुक्म। रोटी समेत दीगर अशिया की सरकारी निर्ख पर फरोख्त को यकीनी बनाने। मवेशी मंडियों में डॉक्टर्स और पानी समेत दीगर जरूरी सहूलियात की दस्तियाबी की भी हिदायत। कहा, ईद पर सफाई का मयार वही होना चाहिए जो वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ के दौर में था। मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी ने अदलिया पर दबाव और मुदाखलत के इल्जामात में हकीकत के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा, वाज़ेह तौर पर कहता हूं, मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। कुछ कोशिशें ऐसी जरूर हुई लेकिन खुदा की रहमत से मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। मेरा गुमान है जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के अस्पतालों में हड़ताल। रावलपिंडी में होली फैमिली, बेनजीर भुट्टो और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंडोर और आउटडोर सर्विस मुअत्तल। ओपीडी समेत दीगर वार्ड बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। निश्तर अस्पताल मुल्तान में यंग डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद कर दी। तमाम शोबाजात में आउटडोर सर्विसेज का मुकम्मल बायकॉट। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला पंजाब और हेल्थ सेक्रेटरी से मामले पर माफी मांगने का मुतालबा। बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ टेरियान केस में फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरख्वास्त खारिज करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर। अपील में बानी पीटीआई को फरीक बनाया गया है। अपील में इस्तदा की गई, बानी पीटीआई के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त मंजूर की जाए। बल्ले का निशान वापस लेने और तोशाखाना नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट का नया लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 20 जून को समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सुप्रीम कोर्ट में नामजदगी के बाद लार्जर बेंच तहलील हो गया था। बानी पीटीआई मुज़ाकरात चाहते हैं तो इदारों पर हमले बंद करें। वजीर मंसूबा बंदी एहसन इकबाल कहते हैं, मुल्की अदम इस्तेहकाम से खुद मुख्तारी दाव पर लग सकती है। पीटीआई को फैसला करना है, इंतिशार का हिस्सा बनना है या पाकिस्तान को आगे ले जाना है। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, छोटे मोटे इश्यूज चलते रहते हैं। अपोजिशन इतिहाद की पॉलिसी तब्दील, मज़ाहमत तर्क मुज़ाकरात की राह चुन ली। महमूद अचकज़ई की सरबराही में पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम से राब्ते का फैसला। बानी पीटीआई ने जेल से महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल इतमाद का पैगाम भिजवा दिया। टीओआर तय करके पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम से राब्ता होगा। महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात के लिए अलायंस में से एक एक नुमाइंदा शामिल करेंगे। महमूद खान अचकज़ई की ईद के बाद मौलाना फजलुर्रहमान से मुलाकात शेड्यूल। बानी पीटीआई अलायंस के मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल हिमायत करेंगे। मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए। उमर अयूब और तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत एमक्यूएम से बातचीत से साफ इनकार। उमर अयूब ने इल्जाम आयद किया, नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने लंदन प्लान पर काम किया।
महमूद अजगजई ने पेशकश की, वो बातचीत में किरदार अदा कर सकते हैं। रहनुमा तहरीके इंसाफ असद कैसर कहते हैं, मौलाना फजल रहमान के साथ रबते में है, मौजूदा हुकूमत परेशान है और चाहती है हमारा फजल रहमान के साथ इत्तेहाद ना हो। मौलाना फजल रहमान पर एतमाद है, वो आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। GDA के साथ भी रबता करेंगे। ईद के बाद हमने मुल्क में जलसों का प्रोग्राम बनाया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM की मरकजी कमेटी का इजलास, सियासी हुकूमती मामलात पर मुजाकरात के लिए 4 रुकनी पार्लियमानी कमेटी तश्कील। कमेटी में सैयद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक और सैयद फैसल सब्जवारी शामिल। कमेटी हुकूमती और सियासी कायदीन से मुख्तलिफ मसाइल और मामलात पर मुलाकातें और मुजाकरात करेगी। एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर रबतों की जरूरत है, ना ही हम कर रहे हैं। मुशीर इत्तिलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, अस्करी हुकाम हुकूमती फैसलों के हवाले से वजीर आला से रबते में है। अस्करी हुकाम से रबते जारी रहने, महमूद खान अचकजई से बात करें तो उनकी मर्जी, लेकिन PP नून लीग और MQM से हमारी बात नहीं होगी। रियासत की खराबी के जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। वज़ीर इत्तिलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल, कहती हैं 9 मई को फसादियों का टोला किले फतह करने निकला था, मगर मच्छ के आंसू क्यों बहा रहे हैं। सनम जावेद और आलिया हमजा अपने जराइम की सजाएं भुगत रही हैं। उनको मरियम नवाज ने नहीं कहा था जाएं कोर कमांडर हाउस पर हमला करें, शहदा के मुजस्मे जलाएं। मरियम नवाज ने कभी औरत कार्ड खेला, ना जेल में सहूलियात ना मिलने का शिकवा किया। मजहबी टच, औरत कार्ड और गद्दारी कार्ड तहरीक इंसाफ के पसंदीदा मशागिल हैं। अपनी धमकियां और भड़कें अपने पास रखें। वफाकी हुकूमत ने हमारी स्कीम्स खत्म कर दी, सिंध को भी पाकिस्तान समझकर तरक्याती स्कीम्स देनी चाहिए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था, हमें विफाक से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। सिंध के बजट में से 31% तरक्याती कामों में जाता है। सिंध काबीना ने फैसला किया कि बजट में कोई नई स्कीम शामिल नहीं करेंगे। कम अज कम 37,000 तनख्वाह से मुतमईन नहीं हूँ। Grade 1 से 6 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया। Grade 7 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22% इजाफा किया गया। मानसेहरा में भांजे ने फायरिंग करके मामू को कत्ल कर दिया। थाना सदर की हदूद जलू में मुलजिम अली जाहिद ने घरेलू तनाजे पर अपने मामू ताहिर पर फायरिंग की। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए किंग अब्दुल्ला अस्पताल पहुंचा दी गई। अमेरिका ने मुसलमानों को चीनी कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल से रोकने के लिए खसूसी मुहिम चलाई। एंटी कोविड वैक्सीन के खिलाफ शुरू की जाने वाली प्रोपेगेंडा मुहिम में वस्ती एशिया और मशरक वस्ती के लोगों को हदफ बनाया गया। इस हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा इस मुतनाज़ दावे को तकवीत देना था कि चूंकि वैक्सीन में बाज़ औकात सूर की हड्डियों की आमेजिश होती है, इसलिए चीनी वैक्सीन का इस्तेमाल इस्लामी कानून के मुताबिक ममनू समझा जा सकता है। कोरोना की वबा जब जोरों पर थी तो अमरीकी फौज ने फिलिपाइन में मुसलमानों को हदफ बनाते हुए मर्ज पर काबू पाने के लिए चीनी वैक्सीन के खिलाफ खुफिया मुहिम चलाई, क्योंकि इसका ख्याल था कि फिलिपाइन में चीनी असर रसूख बढ़ रहा है। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर अजला और आज़ाद कश्मीर में 19-22 जून बारिशों की पेशगोई। अलर्ट जारी, तर्जुमान NDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिशों के इम्कानात हैं। जनूबी पंजाब में 20-22 जून के दौरान बारिशों की पेशगोई भी की गई है।